अभी मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के एक खूबसूरत शहर मंडी में। आपने भी शायद इस शहर को देखा होगा अपने कुल्लू मनाली के सफर के दौरान। ये एक बहुत ही व्यस्त और हलचल से भरा शहर है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपको अपने मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को समझने का भरपूर मौका मिलेगा। हेलो, मेरा नाम है रोहन, आप देख रहे हैं स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्ट सीजन 2। और अपनी इस यात्रा में हम कवर करेंगे हिमाचल की 3 खूबसूरत जगह है। इन्हें सिल्वर वैली ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है। हम एक्सप्लोर करेंगे मंडी, कुल्लू और मनाली की खूबसूरत हरी भरी वादियाँ। मैं यहाँ खाने वाला हूँ वो यहाँ की सबसे मशहूर ब्रेकफास्ट डिश में से एक है। अब बता सकते हैं ये कौन सी डिश है? नहीं, इसे देखिए, ये है यहाँ की कचौड़ी। क्या पहले आपने कभी भी इस साइज की कचौड़ी देखी है? ये खुद में एक पूरा खाना है, लेकिन ये एक दिलचस्प डिश है और इसे बनाने का तरीका भी काफी इंटरेस्टिंग है। मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको इसकी साइज दिखा दूं। ये बढ़िया है, काफी मोटा है, नर्म है और आमतौर पर इसे आचार या दही के साथ खाया जाता है। ओके, तो ये आज का खाना है जो मैं खाने वाला हूँ। वाव, कभी कभी अच्छा लगता है जब आप देखते हैं कि पारंपरिक रेसिपीज में अलग अलग तरह के बदलाव लाए गए और ये अच्छे बदलाव है। चलिए खाते हैं। ओके, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं दरअसल ये उड़द दाल है जिसे रात भर पानी में भिगोकर सुबह पीसकर बनाया जाता है। इसे थोड़ा मोटा पीसते हैं और उसके बाद इसमें कई सारे मसालों को मिलाकर आटे में भरकर इसे बनाते हैं। इसमें वो बेलन इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इसे हाथ पर ही पीटकर पराठे की तरह जो है बनाते हैं और फिर इसे गरम तेल में तलते हैं। काफी नायाब तरीका है इसे बनाने का और वैसे भी उड़द दाल यहाँ पे काफी मशहूर है। यह आपको उड़द दाल से बनी हुई कचौड़ी, सेपू वड़ी, ऐसी बहुत सी डिशेस मिलेंगी। चलिए दोस्तों खाते हैं। ये नरम ब्रेड की तरह लग रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट, नरम और स्पंजी। ओके, सबसे अहम बात, इस पूरी डिश के लिए आपको देने होंगे महज 20 से 25 रुपए। ये एक मिश्रण है प्रोटीन जो आपको मिलता है दाल से और कार्बोहाइड्रेट्स जो आपको मिलता है आटे से। आज के जमाने में जहां लोग बर्गर और पिज्जा के पीछे भागते हैं, ये उनके लिए एक बेहतर विकल्प है। ये पौष्टिक है, ज्यादा महंगा नहीं है और आसानी से इस जगह पे मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये अपने आप में पूरा खाना है। ये सच में बेहतरीन है और लंच तक के लिए काफी है मेरे लिए। दो फिर तक। मेरा पेट भर गया है, वो भी आधी कचौरी में। ये मेरा आखिरी निवाला है, अब चलते हैं और देखते हैं मंडी में और क्या क्या है हमारे लिए। साथ है कृष्ण कुमार जी नूतन, जो यहाँ के इतिहासकार हैं। इन्होंने 20 से 25 किताबें लिखी हुई है, स्टेट अवार्ड विनर है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे हमसे बात करने के लिए। तो सबसे पहले नूतन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ हम उस स्थान पे पहुंचे हैं जहाँ से मेला प्रारंभ होता है शिवरात्रि का, जिसके लिए मंडी मशहूर है। मंडी मशहूर है, माधोरा की जगह कहते हैं। माधव राय जो थे वो यहाँ के राजा थे और आज भी राजा है, उनकी ध्वजा अभी तक है। और माधुरा का अर्थ है भगवान कृष्ण विष्णु का रूप। जो मुरली लिए हुए उनकी मूर्ति यहाँ अंदर है, उस मूर्ति का आज भी झंडा है और आज भी राज है। इसके इतिहास के बारे में, मंडी के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताइए। कि मंडी के इतिहास के बारे में इतिहासकारों ने 12वीं सदी से लिखा,
परंतु मंडी शब्द का जो अर्थ है ये मांडव ऋषि से है। मांडव ऋषि सतयुग में हुए और सतयुग में लगभग 5000 साल पुरानी ये हमारे पुराणों में ऋग्वेदों में उनका वर्णन है। और सबसे बड़ी बात मांडव ऋषि की, इन्होंने यहाँ कोसरा चढ़ान पे तपस्या की नदी के किनारे और ये भगवान शिव के कुल पुरोहित थे। और देख लीजिए कि उस समय मांडव ऋषि के नाम से ही ये मंडी शहर का नाम मांडव नगर पड़ा था, मांडव नगर। और बाद में कैसे ये मंडी बनी, ये मार्केट बनने की वजह से यारकंद लाहौल स्पीति तिब्बत सबकी मार्केट यहाँ बनी और इस करके इसको नाम मंडी दिया गया। राइट, तो ये जो मंडी जो नाम इसलिए गिरा क्योंकि ये कमर्शियल हब था, सब लोग यहाँ पे आते थे, व्यापार करते थे, रूट का हिस्सा था, सिल्क रूट का जो है ये एक हिस्सा था, तो यहाँ से पंजाब तिब्बत जाने वाले लोग यहाँ से होके जाते थे, तो ये कमर्शियल हब था इसलिए मंडी यानी बाजार। और आज भी मंडी शहर में पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण का राज नहीं है, भगवान के राज खत्म हो गए परंतु मंडी में अभी तक राज है। कोई भी मेला होगा, कोई त्योहार होगा तो उसकी ही पालकी लेके हम चलेंगे, आगे आगे माधुरा की पालकी होगी और उसके पीछे उनके देवता चलेंगे, देवता के पीछे जो है फिर हमारे जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, दूसरे अतिथि हैं, वो बाद में चलेंगे। सबसे बड़ा महत्व जो है माधुरा को दिया जाता है जहां हम खड़े हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ का इतिहास, इतिहास हर चीज का, हर जगह का काफी इंटरेस्टिंग होता है। आइए सर घुमाइए थोड़ा। जाता है कि मंडी का निर्माण वास्तु शास्त्र को ध्यान में रखकर किया गया। यहाँ कई सारे मंदिर है, इस जगह के कण कण में धार्मिकता छलकती है। इसे छोटा काशी या हिमाचल का काशी या फिर पहाड़ियों का वाराणसी भी कहा जाता है। इसलिए मैं अभी अंकुश जी से मिलने जा रहा हूँ जो यहाँ के स्थानीय है, वो मुझे ये जगह घुमाएंगे और देखते हैं वो हमें कहाँ कहाँ ले जाएंगे। खूबसूरत नजारा है, अगर आप हाईवे से कुल्लू मनाली की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये नदी और ये संगम और ये टेंपल जरूर दिख जाएंगे। इसमें से ब्यास कौन सी है? ये जो हमारे पीछे है वो ब्यास नदी, ये ब्यास है। और जो दूसरे साइड से आके मिल रही है वो सुकेती खड़ है। सुकेती, और ये यहाँ पे इनका संगम हो रहा है। बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल। ब्यास तो मेरे ख्याल से रोहतांग से शुरू होती है, राइट? जो ब्यास नदी है ये ब्यास कुंड रोहतांग में है, हाँ, जहाँ से ब्यास शुरू होती है, फिर ये मनाली कुल्लू से होते हुए मंडी तक पहुँचती है। लेकिन यहाँ पे इसका फ्लो इतना कम कैसे है? ये सिर्फ आप जो अब देख रहे हैं ब्यास का, ये सिर्फ 15% है, बाकी का जो है BSL भाखड़ा, जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जी जी जी, उसे इस पानी को सतलज में डाल के पंजाब और राजस्थान तक पहुँचाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि मुझे याद है मनाली में मैंने ब्यास का जो फ्लो था काफी हैवी था, यहाँ पे काफी कम है। और ये कौन सी नदी का है? ये सुकेती है। सुकेती, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ फिशरमैन है, जी जी, ये उनका लाइवलीहुड है। हाँ हाँ, अगर आप नीचे जाकर देखेंगे तो अभी इस समय भी पानी का जो टेम्परेचर है मुश्किल से 4 या 5 डिग्री होगा। वाह, ये बहुत ठंडा है। ये इन लोगों की हिम्मत है, और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये निकलते हैं, ये एक बार अपना नेट पकड़ के जो निकलते हैं 15 से 20 मिनट वो धूप सेकते हैं, अच्छे से धूप सेकते हैं और फिर अंदर जाते हैं। अच्छा, कौन सी मछली मिलती है यहाँ पे? ये एक लोकल मछली होती है यहाँ की, काफी कांटे वाली होती है, ब्लैक कलर की और बहुत स्वादिष्ट, वेरी टेस्टी। जाहिर सी बात है कि अगर पॉन्ड की मछलियों को ज्यादा कांटे नहीं होते हैं, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा यू नो थ्योरी है कि कांटे क्यों होते हैं मछली में ज्यादा। देखिए ये नेचर है, जिस तरह के क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं उसी तरह नेचर बना देती है इंसान को या जानवरों को। इसमें भी इसी तरह है कि जितने ज्यादा करंट तेज होता है नदी का उतना ज्यादा कांटे होते हैं। यहाँ बहाव काफी तेज होता है और आप पीछे देख सकते हैं कुछ डक से आपको नजर आ रहे हैं, जी, ये माइग्रेटरी बर्ड्स है। माइग्रेटरी बर्ड्स जो 30 से 40 दिन रहते हैं, स्टे करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये ब्रिज जो है, यहाँ पे एक ब्रिज है और वहाँ सामने एक ब्रिज है और मेरे ख्याल से एक घाट भी है यहाँ पे, इसकी कुछ कहानी ये कुछ है, सिग्निफिकेंस है इसका? यस, इस ब्रिज का बहुत महत्व है। जो मंडी के महाराज थे, ब्रिटिश के समय में भी मंडी एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, हाँ, और यहाँ के जो राजा थे वो लगान दिया करते थे ब्रिटिशर्स को,
तो बदले में जो है ब्रिटिशर जो थे उन्होंने उन्हें कार गिफ्ट करी थी, जो ब्रिटिशर्स ने महाराजा ऑफ मंडी को कार गिफ्ट की थी जिसे यहाँ तक लाई गई थी। तो राजा जो थे वो शिफ्ट कर गए थे लेफ्ट बैंक में, अच्छा मंडी में, तो गाड़ी जो थी वो नहीं जा सकती थी, रिवर कैसे क्रॉस करें। तो ब्रिटिशर्स ने ये ब्रिज बना के दिया उनको। अगर आप इस ब्रिज के आर्किटेक्चर को देखें तो ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर है। ब्रिज बनाने में कितने साल लगे? करीब उस समय इसे 5 साल लगे। तो राजा को गाड़ी मिलने के बाद पैलेस तक लेके जाने के लिए गाड़ी 5 साल लग गए। हाँ, 5 साल। उससे पहले राजा यहीं पर आकर गाड़ी में बैठे। क्या बात है। लेकिन इसकी खूबसूरती तो देखिए। इसे पहले विक्टोरिया ब्रिज के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद इसको नाम दे दिया मंडी केसरिया, नाम दे दिया मंडी केसरिया। ओके। और ये जो घाट है यहाँ पे, ये छोटी काशी जैसा आपको पता है मंडी को कहते हैं जी, तो काशी के पैटर्न पे ये शहर बना है। बीच में एक स्क्वायर मार्केट है, उसके एक कोने पर भूतनाथ बाबा भूतनाथ का मंदिर है, और वहां से कपड़ों की दुकानें होती हुई वो जो गली नीचे आती है वो इस घाट तक पहुंचती है। ठीक जिस तरह काशी में है उसी तरह का ये डिजाइन, तीन यहाँ से गली आ रही है वो ब्यास तक आती है, तीन गलियां। हाँ, और ये घाट तक पहुंचती है। एक तो दिख रही है, दूसरी कहाँ पे? दूसरी शमशान के साथ है। ये शमशान जो आप ये पुल कह रहे थे, अच्छा ये यहाँ तक पहुंचती है। ओ, तो ठीक वही डिजाइन है, वही पैटर्न है, यही कारण है उसे छोटी काशी कहा जाता है। वाह। अगर मौका मिले तो शाम को आपके साथ वो मछली जरूर खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आइए सर, टेंपल घुमाइए। क्या नाम बताया इस टेंपल का आपने? यह त्रिलोकी नाथ का मंदिर। देखिए जहां हम अभी खड़े हैं ये राइट बैंक ऑफ ब्यास है, जिसे पुरानी मंडी भी कहा जाता है। मंडी के राजा जो थे वो पहले नदी के इस ओर रहते थे, और उसी समय राजा अजबर सेन ने अपनी रानी सुल्ताना के साथ ये मंदिर बनाया जो आप पीछे देख सकते हैं। इस मंदिर का नाम त्रिलोकी नाथ है, और इसके साथ में ही जो है नारदा और शारदा जो महाराजा मंडी की कुल देवियां थी वो भी विराजमान है। और जिस तरह से ये मंदिर बना है आप देखेंगे, ईस्टर्न साइड पे एक विंडो है और सूरज की पहली किरण सनरेज जो है वो मूर्ति पर गिरती है। अच्छा। जो मंदिर है ये शिकारा स्टाइल में बना है, और इसमें दो मुख्य भाग है आप देखेंगे, एक इसमें गर्भगृह है और दूसरा इसमें मंडलम है। गर्भगृह में सिर्फ जो है आपकी मेन मूर्ति रहती है जी, मेन पूजा पाठ उसमें होता है जी, जिसमें सिर्फ राजा रानी और पंडित लोग जाया करते हैं जी, औरों को उसमें जाने पर निषेध हुआ करता था जी। जो मंडलम है उसमें आम आदमी बैठा करते हैं। अच्छा। और जब भी कोई रिलीजियस फंक्शन होगा तो सब उसमें बैठते हैं मंडलम में जी। तो ये जो भाग है मंडलम है, और वो वाला भाग गर्भगृह। गर्भगृह है। अच्छा। तो यहाँ जो एरिया अभी भी है जहाँ सिविलाइजेशन है इसे पुरानी मंडी कहते हैं। हाँ। और वो नई मंडी हो गई। नई मंडी है। अच्छा। ऑलराइट, काफी इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पे इतनी बार गुजरा हूँ, लेकिन अलग चीज होती है जब आप किसी लोकल से मिलते हो और उनकी कहानियां सुनते हो, तो बहुत बढ़िया रहा। लेकिन एक एक बात आपसे जाननी थी, ठीक सामने एक वैसा ही मंदिर है और बिल्कुल सिमिलर तरीके से बनाया गया और दिखने वाला मंदिर है, कोई खास वजह इसके लिए? ये जो ब्यास नदी है इसकी एक मेन ट्रिब्यूटरी सुकेती यहाँ सामने मिल रही है जी। और जहाँ भी दो नदियां मिलती है हिंदू धर्म में उसे काफी पवित्र स्थल माना जाता है। ओके। यही कारण है कि इसी तरह का सेम स्टाइल और आर्किटेक्चर में बना हुआ पंचवक्त्र का जो मंदिर है जो दोनों नदियों के संगम पे बना हुआ है। यहाँ से खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलता है। वैसे कहा जाता है कि यहाँ बहुत सारे मंदिर है, कोई कभी काउंट किया है कभी कितने सारे मंदिर है यहाँ? जी बिल्कुल, जब कहा जाता है कि काशी नाम देना था। हाँ। तो जब काउंटिंग हुई कि किस जगह मंदिर ज्यादा है जी, तो सिर्फ एक मंदिर से काशी को काशी नाम मिल गया और मंडी छोटी काशी रह गई। अच्छा जी। तो टोटल कितने मंदिर है यहाँ पे? उस समय यहाँ 81 मंदिर थे। 81 मंदिर। वाओ। आइए सर आगे देखते हैं जी। थैंक यू। आपका प्लान क्या है? मैं सोच रहा था अंकुश जी कि मैं थोड़ा यू नो सिटी घूम लूं थोड़ा सा, क्या कहते हैं आप? देखिए आप मंडी आए हैं तो यहाँ ट्रेडिशनल फूड धाम जरूर टेस्ट करिए। धाम हम कवर कर चुके हैं चंबा में। नहीं देखिए, चंबा का धाम और यहाँ के धाम में बहुत फर्क है। अच्छा। हिमाचल में वैसे भी हर 20 से 30 किलोमीटर पे भाषा भी बदल जाती है और खाना भी बदल जाता है। अच्छा। तो यहाँ जो है चंबा से बहुत डिफरेंट है। सेपू वड़ी यहाँ की स्पेशलिटी है जो शायद आपने चंबा में सुनी भी नहीं हो। जी सुनी है लेकिन खाई कभी नहीं है मैंने, तो वो सिर्फ धाम में मिलती है मैंने सुना। चलिए हमारे साथ और खाइए उसे। बट मैं ऐसे ही आ सकता हूँ? आप आ सकते हैं क्योंकि मेरे पास इनविटेशन है। ओके ओके। सो द धाम का कॉन्सेप्ट वही रहता है लेकिन डिशेस बदल जाती है। हाँ बिल्कुल डिफरेंट होगी। ओके चलिए 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 आइए चलिए।
हेलो डॉक्टर हिमांशु, मिलकर अच्छा लगा डॉक्टर हिमांशु। ये मेरे मित्र हैं और आज इनके छोटे भाई की शादी है जिसमें अच्छा। हम आपको मंडी का ट्रेडिशनल धाम जो है सेपू वड़ी वो सब खिलाएंगे। कंग्रेचुलेशन। अंदर आइए इस तरफ। थैंक यू। मैं दूसरी बार धाम में आया हूँ। पहली बार हम चंबा में गए थे तब जो है कॉन्सेप्ट तो सेम है यू नो, बट डिशेस जो है रीजन बाय रीजन चेंज होते जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। यहाँ हमारे जो धाम होते हैं, जो आप कह रहे हैं, जो भी फंक्शन होता है फैमिली में तो सारे लोग एकजुट हो जाते हैं। हाँ, और जॉइंट फैमिलीज होती है यहाँ, और जॉइंट फैमिली में परिवार के सभी सदस्यों का ये हक होता है कि वो अपने मित्रों को आमंत्रित करे वो चाहे तो। अच्छा, अगर मुझे इनवाइट किया गया है और मेरे घर में कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स होते हैं तो उनको भी धाम में खाने का इनविटेशन मिल ही जाता है। अच्छा, जैसे आपको मैं इसी हक से लेकर आया हूँ क्योंकि ये यहाँ की परंपरा है। जी, आपको इनवाइट किया था तो मैं आया हूँ इनके साथ। एक बात एक हाँ, मुझे इनवाइट इन्होंने किया है तो मैं मेरे क्रू और ड्राइवर को भी लेके आ गया हूँ साथ। कोई बात नहीं। वो यहीं पे भीड़ में कहीं पे बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर जब भी इस तरह का उत्सव होता है, शादी होती है, कोई और फंक्शन होता है जी, तो पूरे गाँव को बुलाया जाता है, तो आपके साथ आपका ड्राइवर फ्री। बहुत बहुत शुक्रिया। चंबा में जब हमने आखिरी बार धाम में खाना खाया था, वन ऑफ माय फेवरेट डिश जो मैंने हिमाचल में खाई है वो है राजमा मद्रा। आई लव्ड इट सर। ओके, अब उसके जो है अटैक में, काउंटर अटैक में यहाँ पे कौन सी डिश आने वाली है? हमारे यहाँ की खासियत है सेपू वड़ी। अच्छा, और इसे बनाने में 2 दिन लगते हैं। थैंक यू। पत्ते को क्या कहते हैं? तौर का पत्ता। तौर, इसे हम पत्तल कहते हैं। पत्तल, 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 ये पत्तों से बनाया जाता है। तौर के पत्तों से बनाया जाता है। 4 से 5 पत्तों को ऐसे स्टिक से जोड़ के इस तरह बनाया जाता है। इस्तेमाल करने में ये काफी आसान होता है और ये बायोडिग्रेडेबल है एक्चुअली। जी हाँ, ये प्लास्टिक नहीं है, तो पत्ता जी है। इससे आपका महाराष्ट्र में हम इसे पत्रावड़ कहते हैं। पत्रावड़, इसके ऊपर बिरयानी खाने का बहुत मजा आता है। ओ माफ कीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ वेज खाना मिलता है। हे गुलाब जामुन। जी नहीं, ये उसी की तरह होता है। क्या कहते हैं इसे? और ये मीठा कैसे? शुरुआत हमने मीठे से किया है। मुझे याद है कि पिछले धाम में हमने दाल ली थी, फिर उड़द की दाल, उसके बाद राजमा आया था। ये कोई खास वजह है इससे पहले परोसने के लिए? बिल्कुल, मंडी की ये परंपरा है क्योंकि हम एक शादी के धाम में आए हैं। ये खुशी का अवसर है, पहले आकर मुंह मीठा करवाया जाता है। ओके, आमतौर पर स्वीट डिश जो है वो आखिर में सर्व किया जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ मुंह मीठा पहले करवाया जाता है। पहले किया जाता है। ओके, यहाँ पे इसे खाते हुए कुछ रूल्स बने हैं यहाँ पे जो इस तरह से। हाँ जी बताइए। कि आपके जो चावल डाल के गए जितना आप उसे साइड में करेंगे, अच्छा, उतने पर ही जो सर्व कर रहे हैं उन्हें बोटी कहते हैं, बोटी उतने पर ही सब्जी डालकर जाएगा। अच्छा, और क्वांटिटी भी उतनी होगी जितना चावल है। कम किया है तो कम डालेगा, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा डालेगा। ज्यादा डालेंगे तो खाना ज्यादा बीस ना हो, इसलिए। तो ये है सेपू वड़ी, मंडी की खासियत है ये। और ये है डेलिकेसी। डेलिकेसी है, मैं आपको नजदीक से दिखाना चाहूंगा। ऐसे टुकड़े होते हैं इसके। ओके, ये काफी बड़ा पीस है। ये बनता है माश की दाल। माश की दाल से, जैसे चंबा का राजमा है, राजमा चंबा की काफी मशहूर है, वैसे मंडी की सेपू वड़ी काफी मशहूर है। आपको इसे जरूर चखना चाहिए। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ये होटल में नहीं मिलता, इसके लिए आपको धाम में आना पड़ेगा। पर अगर आप डिशेस को गिने तो ये ऑड नंबर्स में है। हिंदू धर्म में ऑड नंबर्स को लकी माना जाता है। अच्छा, तो जो आइटम्स होंगे वो 5 डिशेस होते हैं या 7 डिशेस या 9। अच्छा, ऐसा होता है। वाह, खाना पकाने के अलावा इस खाने के साथ बहुत सारा मैथ, साइंस, कैलकुलेशन। ये हमारी परंपरा है, भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति, और मुझे यहाँ की सेपू वड़ी बहुत अच्छी लगी। आजादी के बाद 2 रियासतों को तोड़कर मंडी बनाया गया।
वो दो रियासतें थी मंडी और सुकेत। यहाँ की परंपरा और संस्कृति काफी गहरी है, लेकिन ये जगह अपने थिएटर्स, अपने अभिनय और ड्रामा के लिए भी मशहूर है। तो अभी मैं जिन्हें आपसे मिलाने जा रहा हूँ, इनका नाम सीमा शर्मा जी है, जो पिछले 25 सालों से ड्रामा स्कूल चला रही है यहाँ मंडी में। मैं मंडी की इस खासियत को और करीब से जानना चाहूंगा, मुझे लगता है आपको मेरे साथ चलना चाहिए। आइए। नमस्कार, सो गुड टू मीट यू। हमारे साथ सीमा शर्मा जी हैं, जो पिछले 25 साल से यहाँ पे, यानी कोटली रोड, लेट मी प्लीज करेक्ट मी अगर एड्रेस, कोटली रोड 12 किलोमीटर मंडी से दूर, सतोल जगह पे अपना एकेडमी चलाती है। 25 सालों से आप एकेडमी चला रही है यहाँ पे, तो मैं जो है इस रास्ते से जा रहा था, तो मैंने सोचा कि आपसे तो मिलके जाना और मुझे आपका परफॉर्मेंस जरूर देखना है। मोस्ट वेलकम, आप आए हैं, हम जरूर आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ इस तरफ। हाँ आइए, आइए आइए। ये क्लासरूम है और ये बच्चे जो है सारे छाऊ मूवमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, फोक फॉर्म है छाऊ। हाँ, ये गोविंद सर आए हुए हैं और ये इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं छाऊ की। कितनी स्ट्रेंथ कितनी है आपके बच्चों में? अभी हमारे यहाँ 25 और 25. किस तरह की एक्टिंग, मींस क्या सिखाते हैं यहाँ? एक्टिंग आपकी हर तरह की होती है, स्टाइलाइज्ड है, रियलिस्टिक है, वेस्टर्न है, और कई बार हम लोग ग्रीक प्लेस भी पकड़ते हैं जी, तो पारसी रंगमंच के साथ भी काम करते हैं। अच्छा, तो पैटर्न्स हैं अलग अलग डिफरेंट। आप मुझे जाने से पहले कुछ सिखाइएगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप एक मोनोलॉग या फिर आपके जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे कुछ कुछ करके दिखाएं हमें। ठीक है, मैं बताती हूँ इनको, ये थोड़ा सा एक मूवमेंट करके दिखाएंगे। हमारे अजीज रिया, हाकिम अदालत और काजी मुल्क का फैसला आप लोगों ने सुना। हमारे चंद कारिंदों की वजह से एक बिरमन के साथ जो जुल्म हुआ वो भी आप लोगों ने देखा, लेकिन हमने उस जुर्म का इकबाल करके इंसाफ पसंदी और हक का रास्ता इख्तियार किया है। हमारी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि हमारे मुल्क में सबके साथ एक जैसा सलूक हो, खुशियां हो, शादमानी हो, इसीलिए हमने अपनी जनता की भलाई के लिए एक फैसला लिया है। हमारी तजवीज है कि हम इसी साल अपना दारुल खिलाफा लेकर दिल्ली से दौलताबाद जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किसी मगरूर सुल्तानी का बेमानी खत है, लेकिन नहीं, हम हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक ऐसा मजबूत रिश्ता कायम करना चाहते हैं कि लोगों के होश उठ जाए और हम भी फख्र से कह सके कि हमारा नाम मोहम्मदीन तुगलक है। जब भी मैं मंडी से गुजरता था तो मैं यही सोचता था कि इस शहर में कुछ खास जरूर है, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, डू नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर। मंडी में मुझे बहुत मजा आया। मैं आप सभी को शुक्रिया कहना चाहूंगा इस शो का हिस्सा बनने के लिए। यहाँ से हम जाएंगे कुल्लू और उसके बाद जाएंगे मनाली, तो हमारे साथ बने रहिए। मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन किसी और जगह, सिर्फ स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्ट सीजन 2 पर। क्या बात है, क्या आप हमारे लिए कुछ बजा सकते हैं?